यहाँ पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं, इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते, आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पे दिखते, मगर टीवी के मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। भाई और बहनों, दो तरीके की सरकार होती है। लोग आपसे कहेंगे अलग अलग तरीके की सरकार होती है, नहीं, सिर्फ दो तरीके की सरकार होती है। अब मैंने 20 साल राजनीति में काट लिए हैं, दो ही तरीके की होती है। एक सरकार होती है जो देश और प्रदेश के सबसे अमीर लोगों के लिए काम करती है, और दूसरी सरकार होती है जो देश या प्रदेश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करती, और तीसरी सरकार होती नहीं। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही धाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है, काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए, 15 लाख आया बैंक अकाउंट में। आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया, 2-3 अरबपति है उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, ना छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-5 अरबपतियों का माफ किया है। हमने भी आपसे वायदे किए थे, मैंने स्वयं वायदे किए पिछले चुनाव में, ऐसी मीटिंग में मैंने वायदा किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, मैंने किया था। मैंने ये भी कहा था कि जब हमारे किसान धान देंगे तो उनको 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलेगा, कहा था। मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैंने आपसे सच बोला, सफाई आपके सामने है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। अच्छा, एक बात बताओ, हम
वायदा किया था 2500 का, आज क्या रेट है? हमने 2500 कहा, अब 2640 है। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया इसको बढ़ाओ, कहने की जरूरत ही नहीं रही, हमने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनते हैं, जो आपके दिल में है वो समझते हैं। और आज मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं, किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को दो चीजें कह रहा हूं। आज ये 2640 है, आने वाले समय में ये 3000 हो जाएगा। और ये बढ़ता ही जाएगा, ये